नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। उपद्रवियों से वसूली के लिए लखनऊ मेरठ में अधिकरण का गठन करेगी योगी सरकार। सुशांत के जीजा की चेतावनी, मेंटल हेल्थ के लिए एक्टर को ना बनाए पोस्टर बॉय। ऑनलाइन फार्मेसी में कड़ी टक्कर देगा रिलायंस, नेटमेट्स का बड़ा हिस्सा खरीदा। शरद पवार की पीएम मोदी को चिट्ठी, सहकारी बैंकों को बचाने की अपील। रूसी वैक्सीन में शामिल कंपनी के सीईओ बोले, मेरे परिवार को लगा टीका। कोरोना के बीच वुहान में पूल पार्टी, न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग। इमरान के मेहमान बनेंगे शी जिनपिंग, खस्ता हाल पाक को बड़ी उम्मीदें। मिशेल ओबामा का ट्रंप पर हमला, कहा अमेरिका के लिए गलत राष्ट्रपति। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश घायल। डेमोक्रेटिक पार्टी ने औपचारिक रूप से जो बिडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया। सेना द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद माली के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर 6.8 तीव्रता का भूकंप। फिरोजाबाद में ज्वेलर को जिंदा जलाने की कोशिश, आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी। आंध्र प्रदेश के कृष्णनगर में 423 बोतल शराब जब्त, अवैध तरीके से की जा रही थी सप्लाई। मुंबई में मोदक सागर डैम का एक गेट खोला गया। विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी के 3 भाइयों पर 25,000 का इनाम घोषित। हरियाणा में डीजीपी ऑफिस को 2 दिनों के लिए बंद किया गया, 6 पुलिसकर्मी पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। मी रक्षम का ट्रेलर देख खुश हुए अखिलेश यादव, शबाना को दी बधाई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्व गुरु रहे भारत को फिर से बौद्धिक नेतृत्व हासिल करने की जरूरत। संजय राउत ने अपने बयानों पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने नहीं किया डॉक्टरों और WHO का अपमान। ICMR ने कहा कि अगले 5 सालों में कैंसर मरीजों की संख्या में 12% की बढ़ोतरी। IPS अधिकारी राकेश अस्थाना ने संभाला BSF महानिदेशक पद का कार्यभार। राहुल गांधी ने कहा कि मुश्किल से हासिल लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तमिलनाडु के एक भिखारी ने कोरोना कोष में दान किए 90,000 रुपए, पेश की मिसाल। रेलवे ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए महंगे किए गए प्लेटफॉर्म टिकट।